गिरी करके भाई। अरे भाई छपरी गिरी क्यों करते हो, छपरी गिरी क्यों करते हो भाई? अरे क्या हो गया भाई छपरी? सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो कुछ ब्लॉग, आई होप आप सब ठीक, उम्मीद करता हूँ आगे भी ठीक रहेंगे। सो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यार मेरे रूम से। रूम का कुछ इस तरीके का हाल हो चुका है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अब 2-3 महीने के लिए होम टाउन। तो भाई देख सकते हो बिस्तर मैंने कर लिया पैक और सारा सामान यहाँ पे कर लिया पैक मैंने, और बाकी 2-3 बैग मैंने भेज दिए हैं और बाकी 2-3 बैग बचा हुआ है यहाँ पे, और सामान सारा पैक कर लिया भाई यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप। और हम निकल रहे अभी धारचूला की ओर और आगे की अपडेट आपको देते रहूँगा, और बने रहिए मेरे साथ। अभी देखते हैं गाड़ी वाड़ी भी लगाने मैंने, तो देखते हैं ये चाबी बाइक करने को पड़ा रहे यार भाई। तो भाई निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है और भाई लोग सारे सी ऑफ करने के लिए आ गए हमें। तो यार बाइक को लगाने में तो क्योंकि यहाँ पे यार होम टाउन जा रहे थे यार, यहाँ पे खतरा हो सकता है बाइक के लिए, तो बाइक को मैंने बाइक का जो है पैकिंग हमने कर लिया है, अब जाएंगे स्कूटी को लेकर के क्योंकि यार सामान भी बहुत है हमारे पास, तो हम जा रहे हैं स्कूटी को लेकर। तो यहाँ पे भाई लोग सारे फ्री ऑफ करने के लिए आ रखे हैं हमें, और दरवाजे लगा के आ रखे हैं यहाँ पे। मिलेंगे भाई 2-3 महीने बाद, बहुत लंबा कैंपिंग करना है अभी 2-3 महीने का। हाँ ये कर लो पहले। तो भाई आज होगा मोटो ब्लॉगिंग, और यहाँ से निकल चुके हैं भाई हम, फाइनली एचडी से निकल चुके हैं, और पीछे बैठा है अरुण भाई अपना, जैसे पता है आपको दिखा दिया था मैंने आपको पहले भी। तो रिकॉर्डिंग ढंग से हो रही नहीं हो रही मुझे पता नहीं चल रहा भाई जी, लेकिन वहाँ जाके एक बार देखूँगा मैं ऐसे सही हो रहा नहीं हो रहा ब्लॉगिंग, तो वहाँ जाके पता चल रही है भाई। यार इसको परचेज किया ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमें 4-5 साल, अब इसकी पावर जो है अब यार बिल्कुल ख़त्म जैसी लग रही है मेरे को, ये ज़्यादा भाग नहीं रही है भाई। पिथौरागढ़ से धारचूला की ओर जब जाएंगे हम तो समथिंग 60-70 के बीच चलती है स्कूटी, 70-80-85 के बीच चलती है, बाकी इससे स्पीड हम चेक नहीं सकते इसको। तो गाइस हम जा रहे हैं गांव की ओर, और गांव क्यों जा रहे हैं वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज हमने जाना है अब यरसा गंबू के लिए, जो मेरे यूट्यूब में है वो जाके आप देख सकते हो। तो वहाँ जाने की फिर से हमारी टर्न आ चुकी है, और वहाँ जाएंगे तो 3-4 महीने तक विदाउट कॉलिंग विदाउट इंटरनेट ऐसे रहना पड़ेगा। न ढाका न मुहार श्रृंगार ले चंद्रमामा पनि दाग हुन्छ, चंद्रमामा पनि दाग हुन्छ। तो भाई हम जस्ट पहुंच चुके पलेटा से थोड़ा ऊपर, जस्ट शिव मंदिर है यहाँ पे, शिव मंदिर से थोड़ा ऊपर उतर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से व्यू चेक कराता हूँ मैं आपको, और म्यूजिक के साथ आपको व्यू चेक कराऊंगा यहाँ का। और देखिए भाई बहुत ही डरावना यहाँ पे प्लेस है, बहुत ही खतरनाक प्लेस है भाई, यहाँ पे नीचे जाने में भी डर लग रहा है। और भाई अब मैं यहाँ का व्यू चेक कराता हूँ, तो साउंड के साथ सुनिए। कुछ ऐसा कह गए साहिबा, आंखों से मेरी तुम बह गए साहिबा। तो भाई हम पहुंच चुके जस्ट चरमा से थोड़ा ऊपर, समथिंग 1.5 किलोमीटर दूर। आई डोंट नो कि ये गांव का नाम क्या है, हमें याद नहीं है या पता नहीं हमें। तो भाई ने कहा कि ऊपर चल लें, तो भाई हम ये यहाँ पे अपनी गाड़ी को खड़ी कर रखे हमने, अपने साथी को यहाँ पे रोड के किनारे लगा के। गांव वालों से पूछा कि भाई ऊपर मंदिर है, हाँ उन्होंने कहा कि हाँ हम जा सकते, तो भाई जा सकते हो बेफिक्र होके। तो भाई ऊपर को जा रहे हैं हम अभी। स्वागत में मेरे घर राम आए,
के प्रभु के काम आए हैं। तो भाई ये है शिव मंदिर, और बिकॉज हम यहाँ पे यार कुछ लेके नहीं आए, खाली याद आए, बिकॉज हमने खाना वाना भी खा लिया था, तो हम अंदर जा नहीं सकते हैं। भगवान का दर्शन कर लिया हमने, शिव जी भगवान का, और हम खाली हाथ लेके आए, लेकिन भगवान हमें झूली भर के देंगे। और मतलब मन चंगा तो कटोरी में गंगा कहते ना भाई, तो वही सीन है यार, हम कुछ लेके नहीं आए भगवान जी। तो भाई हम दर्शन करके आ गए भोलेनाथ के, और यहाँ से नीचे जा रहे हैं भाई। वहाँ से गाँव वाले ऐसे दुख दे रहे ना हमको, वहाँ से बहुत तगड़ा वाला कि वहाँ नीचे जाके कोई मारना ले हमें वाला लुक दे रहे यार, वहाँ से ऐसे देख रहे हैं हमें। तो भाई यहाँ पे देखिए इतना खतरनाक पहाड़ है यहाँ पे, ऐसे में बना रखा है, देखिए भाई। और वहाँ पे हम बिना विदाउट परमिशन नहीं आए भाई, वहाँ पे गांव वाले से हमने परमिशन लिया हुआ है, और बाकी ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता यार भाई ना। भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए गए थे तो हम भाई बिल्कुल खाली आप गए थे, क्योंकि हमने नाश्ता वगैरह खाना वाना खा लिया था, मोमोज खाया था नॉनवेज, तो भाई को दिखाई, ये भाई कह रहे हैं कि मतलब मंदिर में झाड़ू वाड़ू लगाते करके ऊपर में, तो हमारी तरफ से भाई भगवान को तो हमने भेंट नहीं दिया है, तो अपने मन से हम इनको भाई थोड़ा सा 10-15-20 रुपये जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से हम इन भाई को देंगे। भगवान को चढ़ाया हुआ तो चढ़ाया नहीं, भगवान को चढ़ा हुआ चढ़ाने से ज़्यादा बेटर ये होगा कि मतलब किसी मतलब अब यार भाई ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब तो हम भी है ही, तो भाई लोग थोड़ा मतलब कह रहे थे कि वहाँ पे हम साफ सफाई करते वगैरह करके, तो दोनों भाई को देते हैं, इनकी माता जी यहाँ पे देख सकते हैं आप। माता जी प्रणाम। अच्छा विकलांग है, दोनों भाई विकलांग हैं यहाँ पे यार, तो हमारी तरफ से क्या मदद होता है यार, हम ही खुद स्टूडेंट है, तो हमारी तरफ से मतलब भगवान को दान दक्षिणा देना था, तो वहाँ पे हमने चढ़ावा नहीं चढ़ाया, तो भाई इनको दे दिया हमने, वो भी बड़ी बात है। मतलब भगवान को चढ़ाने से ज्यादा बेटर है कि मतलब किसी का मतलब मदद करे। तो इसी के साथ यहाँ से अब चलते हैं भाई बंदरलीमा गाँव में अभी हम। आपने देखा होगा पीछे यार कि मतलब हम भगवान के दर तो खाली हाथ गए थे, लेकिन नीचे पे जो लोग मिले थे वो विकलांग कह करते, उनकी माता जी मिली थी हमें वहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि वो विकलांग कह करके, तो जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया नहीं हमने, जो मतलब दान दक्षिणा नहीं किया था, तो नीचे आकर के हमने कर दिया, उससे बड़ी बात क्या होगी यार भाई हमारे लिए। तो हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यार हम डिनर करते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि भूख भी लगी चुका है। आपको बताया कि मतलब 96 किलोमीटर का सफ़र है तारकुला तक का पिथौरागढ़ से, तो भूख भी लगी गया है भाई, तो डिनर करते हैं, टाइम अप्रॉक्स से बच चुका है अभी, यार 3:30 होने वाला टाइम, भोजन की व्यवस्था है क्या क्या है खाने में? आप सारा कुछ है, चिकन भात खाना चाहिए, चलिए लगा दीजिए चिकन राइस लगा दीजिए। तो भाई फाइनली हमारा खाना आ चुका है, अब यार भूख भी लग गया है, फटाफट खाते हैं और निकलते हैं यार, लेट भी बहुत हो गया है। आपकी दुकान में हमने भोजन वगैरह किया, तो आपकी दुकान की सर्विस A1 है, बाकी बहुत अच्छी लगी, और बाकी जो खाना वाना है बहुत अच्छी सर्विस है, और आप अपना दुकान का जो है एड्रेस दे दीजिए, कहाँ पे है क्या? सर ये है से थोड़ा सा ऊपर गोल बैंड, से थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा गोल जो बैंड है हमारी ये होटल है। बड़े भाई ने से बता दिया है आपको यार, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है जी जी, तो सारे चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है, और खाना भोजन जो है भोजन A1 है यहाँ पे, मतलब जो खाना है बहुत बढ़िया है, और खाने में भी बहुत सही है, स्वादिष्ट खाना बन रहा है, और यहाँ पे आइए खाइए। मतलब जब आप DCL से PTS की ओर ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे भोजन करके जाइए, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। तो चलते और यहाँ से तो मिलते हैं उसके बाद। Thank you.
बारिश होने की पूरी आशंका भाई देख सकते हैं आप। बारिश हल्की हल्की बूझे आ रही है भाई बारिश की, और मौसम काफी जबरदस्त हो चुका है आप जैसे देख सकते हो। आगे व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, जन बलवागढ़ के पीछे पहुंचे और काफी तगड़ा बारिश हो रही है यहाँ पे, और यहाँ बहुत तेज बारिश होती है साथ देखने से पता चल रहा है, क्योंकि पीछे जो है हम भीगे नहीं है यार, क्योंकि पीछे बारिश नहीं हो रही है। और भाई यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है देख सकते हो जैसे आप यार, रोड जो है पूरा भीग चुका है। और आगे चलते हैं, आगे कितना तेज बारिश है, और धारचूला में क्या ही गजब स्वागत हुआ है यार भाई हमारा, भीगे जैसे बारिश के साथ स्वागत हुआ है यार अपना। यहाँ पे रुकते यार, जहाँ पे बारिश नहीं आ रही वहाँ पे रुके हुए थे, और यहाँ पे ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिली है। हेलो, क्या नाम है आपका? अच्छा, हाउ आर यू? हैंडशेक। क्या नाम है आपका? तो भाई हम पहुंच चुके हैं यार लगभग नियावस्ती को पार करते हुए आगे हो चुके हैं, और काफी बारिश बहुत हो रही है भाई यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, बारिश भी बहुत हो रही है। कौन है? कुत्ते का पिल्ला। कहाँ से आते हैं? वो नहीं तो पीछे भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी क्या क्या छपरी है, छपरी बनती क्यों कर रहे हैं हमें, ये तो बॉम्बे और पीना का है यार कहीं भाई। क्यों भी उठा छपरी होगा, क्यों भी उठा था। कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे, हाथ हिला के स्माइल पास करके जा दिया यार, मैंने गाड़ी लगा दिया भाई आगे से, क्या बोलने वाली, क्या होगी बात, क्या क्या बात होगी बोल के, हाथ भी नहीं ला सकते क्या वाली बात कर रहे, सुन कैसे कैसे लोग हैं यार भाई यहाँ। आगे भी रोकते बातचीत करते हैं, यहाँ पे रोक के बात बात करते हैं। हाँ भाई क्या है सीन तुम्हारा, टोपी ओपी का होश नहीं है भाई, टोपी ओपी उड़ा दे रहे हो तुम हवा में, बहुत पैसा है क्या? वो पैसा बहुत यार ब्रो, किसकी कमी है फिर ब्रो, क्या कर रहे भाई तू ऐसा, अरे भाई क्या कर रहे तू, क्या हो गया ब्रो तेरे को, अरे क्या हो गया भाई छपरी, क्या हो गया भाई क्यों कट मार रहे, क्यों कट क्यों मार रहे भाई, क्या हो गया, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है यहाँ पे, चल चल भाई चल, ठंडे से छुपा लगे और यार चाली कर रहे, अरे भाई आता हो, इतना हाइपर हो चुका है मेरा गुस्सा, मैं मार दूँ इस साली को।
अरे भाई क्या हो क्या है छपरी भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ भाई मैं। 5 minutes later. अरे भाई छपरी गिरी क्यों करते हो, छपरी गिरी क्यों करते हो भाई? उठा दो यार भाई, उठा दो। लग गई क्या भाई, क्यों कर रहे हो छपरी गिरी क्यों कर रहे हो भाई तुम ऐसे? भाई ऐसे क्यों कर रहे हो छपरी की गिरी क्यों? लगी तो नहीं भाई चोट वोट? चोट तो लग गई है यार ब्रो। अरे भाई यार देख रहे हो ऐसे छपरी गिरी करके भाई, देख रहे हो ऐसे मक्खन करके यार ब्रो। देखते हो क्या भाई मेरा वीडियो? तुम ऐसी रिएक्शन के लिए कर रहे थे ब्रो, सॉरी यार ब्रो। ये भी टेढ़ा हो गया यार ब्रो, अब मैं कैसे बुलाऊंगा यार? अरे यार भाई कोई बात नहीं यार, चल चल कोई बात नहीं। छोटे भाई लोग जैसे हो यार तुम, ऐसे मत किया करो यार भाई लोगों। हम हमारे धर्मा से बिलोंग करते हो? हाँ हाँ भाई यार, ऐसे मत किया करो यार, खाली गिर गिर जा रहे हो यार भाई। ये हेलमेट हेलमेट पहना करो प्रॉपर यार, ऐसे बकवास कर रहे थे यार छोटे भाई लोग। देखिए मेरा ही मतलब सब्सक्राइबर निकले है भाई लोग, थोड़ा ये लोग अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा बकवास कर रहे थे, तो यहाँ पे आगे आगे गिर गए भाई लोग यार थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं यार भाई, ठीक है कोई बात नहीं, चल ठीक है भाई, चल आराम से चलो यार भाई, ठीक है। तो भाई ये लोग थोड़ा सा भीड़ चार करते थे भाई, देख सकते हो जैसे अब यार ऐसे बकचोदी करके चला रहे थे यार भाई यहाँ पे, और गिर गया आगे आगे, ठीक है। मेरा कैमरा ऑफ था, जस्ट मैंने वहाँ पे पहुँच के कैमरा ऑन किया तो भाई लोग गिरे हुए नजर आए, और जो कंटेंट बनाने के लिए कर रहे थे मतलब ये लोग यार जो भी कर रहे थे मेरा, तो भाई आगे आके गिर गए ये लोग यार, तो गलत बात है यार भाई लोग। आराम से चलो, प्यार से चलो यार, ताकि पता चला कि भाई लोग अपने सब्सक्राइबर रहे करके छोटे भाई लोग यहाँ कालिका से बिलोंग करते रहे लोग, प्रॉपर कालिका के बंदे रहे लोग। तो हम पहुँच चुके यार कालिका, कालिका बाजार यार, बाजार कह सकते हैं, छोटी सी मार्केट है, बारिश भी हो ही रही है और भीग गए पूरा वही भाई हम लोग तो, मतलब जो ऊपर साइड से पूरा जैकेट जो है वो जैकेट भी भीग चुका है, और मतलब जो पैंट वगैरह है वो पैंट भी भीग चुका है हमारा। कैमरा तो ऑफ था हमारा यार, यहाँ पे एक अंकल जी थोड़ा सा पकड़, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यार दीलू के रूम पे, और यहां पे क्या कहते हैं पर रास्ते में बहुत बारिश हुई थी आपको पता है जैसे, तो मैं पूरा रास्ते से यहां तक का वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो मम्मी भी आज गांव से आ गई है, मम्मी के साथ मुलाकात नहीं करा मैंने आपका, तो ये है मम्मी, मम्मी के साथ मिल गया था, और हमारी दी भी आई है यहाँ पे। दी को तो पहली बार देख रही हूँ, ये बड़ी मम्मी की लड़की है तो बड़ी दी है। तो यहाँ पे रूम पे पहुँच गए, और मैं आपको ये बताना, हाँ ये कर लो पहले, भूल गया कि मतलब 3 महीने के लिए मैं होम टाउन इसलिए आ रखा हूँ, बिकॉज क्या है कि अब कीड़ा जड़ी खोदने का जो समय आ चुका है, पुराना वीडियो डाला था मैंने, वो वीडियो देखा होगा तो आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि 2-3 महीने के लिए होम टाउन गए, तो वही काम होगा करके। सो मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई।